हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केक आइसिंग से लेकर केक डेकोरेशन तक का फुल वीडियो। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखें। और अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये केक मुझे शिनचैन थीम पर बनाना है। जिन्होंने मुझे इस केक का ऑर्डर दिया है उन्होंने मुझे डेकोरेशन मेरे ऊपर छोड़ दी है कि आप अपने अकॉर्डिंग करें। ये हाफ केजी का केक है। इसके लिए मैंने केक की 3 लेयर्स कट कर दी हैं स्पंज की, और यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी क्रीम को व्हिप्ड कर लिया है। क्रीम कैसे व्हिप्ड करते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और ये मैंने चॉकलेट गनाश लिया है, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आइए आइसिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने केक की सेंटर लेयर ली है, इसको मैंने नॉर्मल वाटर से सोक किया है। आप चाहें तो शुगर सिरप या कॉफ़ी मिक्स वाटर या दूध के साथ इसे सोक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने क्रीम की लेयर की है और ऊपर से चॉकलेट गनाश डाला है और चोको चिप्स डाल करके अच्छे से इसे कोट कर लिया है। इसके बाद मैंने केक की टॉप लेयर ली है, उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे रखा है और उसे एक बार थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसके ऊपर रख दिया है। उसके बाद क्रीम से पहले केक के साइड्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम केक की लेयर को सोक करेंगे। ऐसा करने से हमारे केक की हाइट निकल कर आएगी। अब फिर से मैंने अच्छे से क्रीम अप्लाई कर दी है सेकंड लेयर पर, और उसके बाद गनाश चोको चिप्स यही प्रोसेस मैंने फिर से अप्लाई किया है। और अब सबसे नीचे वाली लेयर मैंने केक के टॉप पर रख दी है और उसे अच्छे से पुश कर दिया है। और अब केक को हम पहले साइड से अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद केक की अच्छे से हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। क्रम कोटिंग करने से केक की फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। क्रम कोटिंग करने के बाद आप केक को कम से कम आधे या 1 घंटे के लिए फ्रिज में जरूर रखें, उससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। मैंने यहाँ फ्रिज में नहीं रखा है क्योंकि मुझे ये अर्जेंट ऑर्डर था, तो मैंने डायरेक्ट ही इसकी फाइनल फिनिशिंग वाली लेयर करना स्टार्ट कर दी है। यहाँ मुझे ब्लू कलर का केक बनाना है, तो मैंने केक में ब्लू कलर मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में क्रीम भर के उससे भी केक पर अच्छे से क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैं केक को किस तरह से आइसिंग कर रही हूँ, आप मेरे हाथों के मूवमेंट्स देखिए। मुझे इस केक में फाइन फिनिशिंग नहीं देनी है, इसमें मुझे एक पैटर्न बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ थोड़ी बहुत फिनिशिंग कर दी है केक की, केक पर अच्छे से क्रीम अप्लाई कर दी है। और अब इसके लिए मैंने ऑफसेट स्पैचुला लिया है और उसके साथ मैंने यहाँ एक पैटर्न बना दिया है। यही पैटर्न मैंने केक के टॉप पर भी बना दिया है। अब हम केक को केक बोर्ड पर ले लेंगे। केक की फाइनल फिनिशिंग हो गई है, अब केक को हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसके बाद इस पर जो हमें डेकोरेशन करनी है वो करेंगे। यहाँ मुझे शिनचैन थीम पर केक बनाना है, तो मैंने यहाँ कुछ डेकोरेशंस रेडी कर ली हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से फोटो प्रिंट निकलवाया था और इन सभी को मैंने फोंडेंट पर अप्लाई करके अच्छे से कट कर लिया है और थोड़ी देर ड्राई करने के बाद हम इसे इस तरह से केक पर अप्लाई करेंगे। फोंडेंट पर अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसके पीछे व्हाइट चॉकलेट लगा दिया है ताकि ये केक पर अच्छे से स्टिक हो जाए। अब यहाँ मैंने सारे कैरेक्टर्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दिए हैं केक के ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरह से, और बच्चे के नाम के लेटर्स को मैंने फोंडेंट से कुछ इस तरह से कट कर लिया है।
और केक के टॉप पर लगा दिया है। और जो बड़ा वाला शिनचैन लिखा हुआ फोटो था उसे मैंने स्टिक लगाकर केक के टॉप पर इस तरह से रख दिया है, इससे इसका लुक अच्छा आएगा। और यहाँ मैंने ग्रास नोजल ली है और क्रीम में ग्रीन कलर डाल के उसे ग्रीन कलर का कर लिया है और पाइपिंग बैग में फिल करके केक के बॉर्डर पर इस तरह से ग्रास बनाएंगे। और कुछ केक के टॉप पर बना देंगे। अब यहाँ मैंने इसके ऊपर फॉन्डेंट से बने हुए फ्लावर्स रखे हैं, इससे इसका लुक थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब बच्चे की एज उन्होंने मुझे 6 ईयर बताया था, तो मैंने चॉकलेट से कुछ स्प्रिंकलर्स के साथ इस तरह से 6 नंबर बना दिया है, उसे भी स्टिक लगाकर सेट कर दिया था, केक के टॉप पर लगा दिया है और हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया है। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ कुछ वाइट बॉल्स डाल दिए हैं केक के ऊपर, और इसके बाद केक को हम सिल्वर डस्ट से स्प्रे करेंगे। और लीजिए तैयार है शिनचैन थीम केक डिज़ाइन। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, केक की डिज़ाइन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।